मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने जानता हूँ कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में, अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद 3री बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए।